टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। उड़द में पिछले 15 दिनों से इंदौर मंडी में कामकाज बेहद सुस्त होने से भाव में स्थिरता बनी हुई है, जबकि दिल्ली और आंध्र प्रदेश के कारोबारियों की मांग उड़द में फिर कमजोर बताई जा रही है। दिल्ली के कारोबारियों ने पहले ही काफी स्टॉक कर रखा है, जबकि आंध्र प्रदेश में उड़द की फसल आने से बरमा उड़द में मांग कमजोर होती जा रही है। बाजार में फिलहाल जबरदस्त धन तंगी के कारण भी ग्राहकी कमजोर है। इस बीच बर्मा से एक जहाज 11,000 टन के साथ मुंबई 20 मई को पहुंचा था। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन उड़द की आवक छुटपुट शुरू हो चुकी है और जल्द आवक बढ़ेगी। बर्मा में ऊंचे उड़द के दाम और रुपए में कमजोरी से आयात पड़त नहीं बैठ पा रहा है, वहीं इससे चेन्नई उड़द में भी दबाव बना हुआ है। फिलहाल स्थिति साफ होने तक उड़द में तेजी की स्थिति नजर आ रही है। इंदौर में उड़द बोल्ड 7,000, मीडियम वही 55,000 और 62,000, हल्की 2,500 से 4,500, वही नई उड़द 6,000 से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल बोली जा रही है। वही चने में सीमित पूछ परख रहने से भाव में सुधार रहा है। चना कांटा नीचे में 4,600 और ऊपर में 4,625 रुपए प्रति क्विंटल तक बोला गया। अन्य दाल दलहन में कामकाज सामान्य रहा, भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।